वेलकम एक्सरसाइज 7.3 राइट डिवीजन फैक्ट फॉर गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्ट है ना ये वाले और डिवीजन फैक्ट है ये, देखो क्या इनमें रिलेशन क्या है. देखो 3 × 6 क्या होता है, 6 का टेबल बढ़ा 3 तक या फिर 3 का टेबल बढ़ा 6 तक, कि क्या होता है फिर ये 3 × 6 = 18 पता है ना. तो ये तो 18 आ गया. अब डिवीजन फैक्ट में क्या है, डिवाइड वाला आ गया ना. तो हम क्या करेंगे, पहले 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे. 18 को 6 से डिवाइड किया, 6 का टेबल पड़ा 18 तक, कितना आया 3 आया ना. सो एक तो ये वाला हो गया, एक ही ये वाला हो गया. नाउ फिर हमने क्या करना, 18 को पहले 6 से किया था ना, फिर 18 को 3 से करेंगे. 18 को 3 से किया तो कितना आया, 6 आया. ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 × 6 = 18. ठीक है, तो ये आ गया 6. यही होता है डिवीजन फैक्ट. इसमें फैक्ट क्या है, ठीक है, तो फैक्ट ये है कि अगर 6 से करूं, 6 से करें तो आएगा 3, मतलब ये वाला नंबर. अगर इसको ये वाला देखो यहाँ पर 18 को 3 से करें, 3 से करें तो आएगा 6, दूसरे वाला नंबर. अगर पहले से करें दूसरे वाला नंबर आ जाएगा, दूसरे से डिवाइड करें तो पहले वाला नंबर आ जाएगा. हर एक में ऐसे ही होगा. ओके, तो यहाँ पर भी देखो जरा 9 × 4 = 36. ओके, हमें पता है 9 × 4 = 36 होते हैं. अब हमने डिवीजन फैक्ट निकालने है ना. मैंने बोला था 36 को पहले करो डिवाइड एक नंबर से, 4 से किया तो कितना आया, तो आया 4 का टेबल पड़ा 36 तक. 36 कहाँ पर आते हैं, 4 × 9 = 36 होते हैं. यहाँ पर आ गया 9. ओके, ये मैंने कोमा डाल दिया. फिर 36 को देखो, जब मैंने 36 को 4 से किया था तो कितना आया था, ये वाला नंबर. अब जब मैं 36 को 9 से करूँगी तो आएगा ये वाला आंसर. देख लेते हैं आता है कि नहीं आता. तो अब हमने क्या करना है, 36 को 9 से डिवाइड करना है. 36 / 9, 9 का टेबल पड़ा 36 आ जाए. 4 पर आते हैं, 9 × 4 = 36, अगर आपको 9 का टेबल आता है. ठीक है, तो आ गया ना दूसरे वाला. अगर मैंने ये वाला किया था तो ये नंबर आ गया. ठीक है, अगर ये पुट किया था तो ये वाला आ गया. ठीक, ये आप कर लेना. ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लो. 42 को पहले मैं 7 से करूँगी. 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल पड़ा 42. कहाँ पर आते हैं, 4 × 7 = 42. तो आ गया ना दूसरा नंबर, 7 किया तो 6 आ गया. अब 42 को पहले किया था 7 से, अब 6 से कर लेंगे. 6 का टेबल पड़ा 42 आ जाएंगे. 6 × 7 = 42. ओके, तो यहाँ पर आ गया 42.